अस्सलाम वालेकुम। आप सब का क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बनाएंगे करेले और प्याज। ये जो चीज़ें चाहिए ये हमने पास रख ली हैं। अब करेलों का छिलका उतारेंगे, प्याज का भी छिलका उतार के काट लेते हैं, तो बाद में फिर बताते हैं आगे क्या क्या करना है। हमने ये सब करेलों का छिलका उतार लिया। जो इनका छिलका उतार है ना, वो एक बोल में डाल लिया ये वाला। अब ये सब करेलों को दरमियान से कट लगा के बीज निकाल के ऐसे इनके छोटे छोटे पीस करने हैं। अब ये सब के बीज निकाल के कट करके पीस छोटे छोटे बना के इसको फिर नमक लगा के अच्छी तरह मैश करके एक घंटे के लिए हम धूप में रखेंगे। ये जो छिलके हैं ना, इनको भी नमक लगा के ऐसे इसको भी ना मैश करके हम इसको भी धूप में रखेंगे। एक घंटे के बाद इसका सारा जो अपनी करवाहट है पानी है इसके अंदर से निकल जाएगा। और उसके बाद हम इसे फिर जाली में डाल के अच्छी तरह वाश करके इनको ऐसे दबा दबा के इनका पानी निकाल के फिर हम बाद में बताते हैं इनका क्या करना है। ये प्याज है जो इसके भी ऐसे ऐसे लंबे पीस काटने हैं, तो इतने नहीं, बारीक बारीक नहीं, बिल्कुल करने कि वो ना जब फ्राई करें तो गोल जाते हैं उसके अंदर। ऐसे ही लंबे लंबे पीस काटने हैं कि ये भी ऐसे ही नज़र आए करेले पक के भी बाद में। तो मिलते हैं फिर इन्हें तैयार करके। हाँ जी, हमने सब करेलों की कटिंग कर ली है, एक साइज़ के पीस काटे हैं। तो ये सब छिलके भी उतार लिए हैं ये भी। अब हम इन दोनों चीज़ों को नमक लगाएंगे। नमक भी हमारा घर का ही है, वो दादड़ किया हुआ बारीक पाउडर नहीं है जो इसको लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, ये छिलकों को भी लगा के ऐसे मस लेंगे, इनका भी सारा पानी निकल जाएगा। थोड़ी देर धूप में रखने से ये जो है करेले, इसके ऊपर भी हम ये नमक डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह ऐसे मसल लेंगे, क्योंकि जितना इसे मसलेंगे ना, ये नरम होंगे तो इनका पानी निकलेगा। अब इसे हम एक घंटे के लिए धूप में रखेंगे, उसके बाद मिलते हैं। जी हमारे करेले हो गए हैं रेडी। आयल हमने कढ़ाई में डाल ली है, इसे हमने अच्छी तरह निचोड़ के धो के वाश करके पानी सारा निकाल लिया। ये ऐसे नरम हो गए हैं। अब ये आयल में डाल के इसे अच्छी तरह ब्राउन करना है पहले। करेले जब ब्राउन हो जाते हैं तो फिर मिलते हैं। करेले माशाल्लाह हमारे हो गए हैं अब तैयार, ब्राउन हो गए हैं अच्छी तरह बिल्कुल। ये देखें, अब इसमें दो चम्मच में डालूंगी नींबू का रस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना करेलों की खटाई कड़वाहट ख़त्म करने के लिए ना बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर लीमू का रस नहीं है तो इमली डाल लें, इमली भी नहीं है तो वो सिरका डाल लें। बस इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ इसमें डालनी चाहिए, फिर बिल्कुल कड़वे नहीं रहते। तो मेरे पास तो रस था लीमू का, मैंने वो ही डाल लिया। अगर इमली हो तो पहले वो जब तलने लगते हैं पहले ही ऐल में वो उसे थोड़ा देर 2 मिनट डाल लें, तो उसके बाद फिर करेले डाल लें। अब थोड़ी देर इसकी और बनाई करती हूँ। करेले माशाल्लाह मैं अब निकाल लूँगी अच्छी तरह सारे आयल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
करेले मैंने निकाल देंगे, अब मैं डालूंगी वो जो छिलके वाश करके रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसे हल्की आंच पे ब्राउन करूंगी। इसका इतना मज़े का मसाला बनता है ना करेलों के अंदर, और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। करेलों के छिलके तल लिए हैं, अब हम इसे डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इस प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। इसके अंदर बाकी साथ साथ जो जो चीज़ डालेंगे दिखाते जाएंगे। अब इसी तरह हल्की आंच पे प्याज भी ब्राउन करेंगे, बाकी जब जब जो जो चीज़ डालेंगे साथ साथ बताते जाएंगे। मिलते हैं प्याज ब्राउन करके। अब माशाल्लाह हमारा प्याज हो गया ब्राउन। अब हम इसमें डालते हैं नमक मिर्च, ये एक चम्मच नमक है तो एक चम्मच हल्दी है, ये इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये सुर्ख मिर्च डालते हैं। अब इनकी थोड़ी देर बनाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे इनकी बनाई करनी है। अब हम इसमें डालेंगे करेले जो ब्राउन करके रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखे ना, ये जो ऊपर से छिलका थारा था उसमें ऐसा मज़े का करेलों के अंदर मसाला बनता है ना, जैसे कीमा डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्ची। अब इसकी सब चीज़ों की थोड़ी देर बनाई करेंगे। ऐसे माशाल्लाह इतने मज़े के बनते हैं कि भूख के बगैर भी दिल करता है खाते जाएं खाली। अब इनकी तकरीबन कोई 10 मिनट तक हम बनाई करेंगे, मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। नमक थोड़ा कम है, अब आप चम्मच और डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक पहले करेलों को भी लगाया था ना, वो जो उसका ऊपर सा छिलका था उसको भी लगाया था, उनमें तो काफ़ी है, ये प्याज में थोड़ा कम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर बाद में डालें ना, तो ये ऐसे फिर साबुत साबुत पीस नज़र आते हैं, पहले डाल दें तो इसके अंदर ही मिक्स हो जाते हैं। फिर मर्च मिर्चें बाद में डालें तो इतने उनके प्यारे कलर होते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को 5 मिनट तक दम लगाते हैं, मिलते हैं फिर 5 मिनट के बाद। माशाल्लाह हमारे करेले प्याज हो गए हैं तैयार। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ही ऊपर छट्टा लगा के सब के ऊपर
इतने मज़े के बने हैं, इतनी प्यारी खुशबू है इनकी, इतनी प्यारी खुशबू है, ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी ऐसे बना के। और इतनी प्यारी इसके अंदर से वो नींबू के रस की खुशबू आ रही है ना, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।